इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, मुनाजिर हसन ने जदयू से इस्तीफा दे दिया है। खबर ये भी सामने आ रही कि आने वाले दिनों में वो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। सर, क्या खबर आ रही है, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया है और आने वाले दिनों में क्या खबर है, क्या कहाँ जा सकते हैं वो? देखिए, मुनाजिर हसन निश्चित रूप से एक बिहार में मुस्लिम के लिए एक बड़ा चेहरा है, और जनता दल यूनाइटेड, जो नीतीश कुमार की पार्टी कह लें, तो वो उसके लिए एक बड़ा जोल्ट होगा, बड़ा झटका झटका के समान होगा। क्योंकि देखिए, वो 4 बार जो है सो मुंगेर से एमएलए रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। और आपको याद करा दें, इससे इससे बड़ी बात यह है कि 2009 में वह बेगूसराय से, या फिर से सुन हम दर्शकों को बताना चाहेंगे, 2009 में बेगूसराय से वह लोकसभा की सीट, अब उनके अपने वो उन्होंने जीती थी 2009 में, बेगूसराय से वो सांसद बने थे। और वो इस बार, और देखिए, ये जो है मुंगेर लोकसभा, जो है सो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका लोकसभा क्षेत्र है। तो वो उनके लोकसभा क्षेत्र में मुनाजिर हसन का जदयू से इस्तीफा देने की घोषणा करना निश्चित रूप से ललन सिंह के लिए भी एक बड़ी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है? क्योंकि वहां पर जो है सो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में 1.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, मुस्लिम मतदाता हैं। तो यह एक बड़ा जोल्ट होगा राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, जो एमपी हैं और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से, और दूसरी बात, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो यह, और ये देखिए, 4 बार यह जब एमएलए रहे हैं, तो और मंत्री भी रहे हैं, यह नीतीश मंत्रिमंडल में भी यह मंत्री रहे हैं और लेकिन अभी हाल के दिनों में इनका इनके इनके समर्थकों का, या इनके ओर से यह कहा जा रहा है कि मुस्लिम के बड़े चेहरे को नजरअंदाज किया जा रहा है जदयू में। तो ऐसे में यह नाराजगी इनकी सामने खुल करके आई है। और एक बात और हम बताना चाहेंगे कि मुनाजिर हसन 2014 में भी वह बीजेपी में शामिल हुए थे, 2014, याद करना इसको, समझने की का है। 2014 में जेडीयू ने भाजपा से जब नाता तोड़ा था, तब जो है सो वह नीतीश कुमार से नाराज होकर नाराजगी इन्होंने जाहिर की थी, और उसके बाद से 2014 में यह फिर भाजपा में शामिल हो गए थे। फिर वो यह इनका रहा है। तो ये निश्चित रूप से जो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ये मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में कह लें या बिहार में कह लें, ये मुस्लिम का एक बड़ा चेहरा जो है सो भारतीय जनता पार्टी में के साथ में जुड़ने जा रहा है। और ये एक बात और है, हम यह भी दर्शकों को बताना चाहेंगे कि ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, उसमें यह भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से अगर यदि यह लड़ते हुए नजर आए, तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि 2024 में यह हो सकता है कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से यह चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर, भारतीय जनता पार्टी इनको वहां से उम्मीदवार बनाए। हाँ हाँ ये मतलब बहुत बड़ी खबर है, और ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग, मतलब आप जो बता रहे हैं उससे भी बड़ी ब्रेकिंग है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी के तहत ही ये सारी चीजें हो रही है। ये सिर्फ अभी तो खबर आ रही है कि जेडीयू से इन्होंने इस्तीफा ही दिया है, लेकिन आपका ये कहना है कि न सिर्फ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं ये, बल्कि बीजेपी ने ललन सिंह के खिलाफ मुंगेर से चुनाव भी लड़ा सकती है। निश्चित रूप से ऐसी संभावना जताई जा रही है, ऐसी संभावना देखने से लग, देखिए, राजनीति में तो संभावनाओं का खेल है। और मुंगेर से ये बड़ा चेहरा है, 4 बार एमएलए रहे हैं, बेगूसराय से 1 बार जो है सो एमपी रहे हैं। तो ऐसे में मुनाजिर हसन ये एक बड़ा चेहरा मुस्लिम समाज से है, और ये इनके आने से निश्चित रूप से, जो हम कह रहे हैं कि वहां पर मुंगेर जो है सो लोकसभा में 1.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, तो यह कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा, इसका इम्पैक्ट होगा, यह दिखाई पड़ेगा ये चुनाव में। और राजीव रंजन सिंह कह लीजिए, या जनता दल यूनाइटेड के लिए कह लीजिए, यह एक बड़ा सा झटका झटके के समान होगा मुनाजिर हसन का पार्टी छोड़ करके जाना। नहीं तो वहां पर मुंगेर ऐसी सीट है, लोकसभा की सीट है, जहां पर बीजेपी भी
बिल्कुल वो सीट जीतना चाहेगी, चूंकि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक आप ज्यादा क्लियर बता पाएंगे कि मुंगेर सीट पर आपको याद है लास्ट टाइम बीजेपी के किस उम्मीदवार ने वो सीट जीती थी? कभी कुछ मुझे तो याद नहीं आ रहा है कि मुंगेर सीट से। हाँ नहीं, लेकिन एक बात और समझिए, ये जो है सो मुंगेर का इलाका, वो इलाका भारतीय जनता पार्टी के जो तेज तर्रार और नवनियुक्त न्यूली अपॉइंटेड जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उनका इलाका माना जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ, उनका भी इलाका है मुंगेर। तो मुंगेर में वह भी पूरी तरह से फोकस्ड हैं कि किस तरह से हमको वहां पर मुंगेर लोकसभा में प्रदर्शन बेहतर करना है भारतीय जनता पार्टी को, या एनडीए कह लें, भारतीय जनता पार्टी को कह लें। तो यह सब कवायद चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि मुनाजिर हसन भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनते हैं, क्योंकि देखिए इसलिए यह संभावना बनती है क्योंकि मुनाजिर हसन इससे पहले भारतीय जनता पार्टी में थे 2014 में, जब हम आपको बता रहे हैं कि भाजपा में वो शामिल हुए थे। तो यह इसलिए ऐसी संभावना, ऐसी अटकलें राजनीतिक गलियारों में, राजनीतिक पंडितों के बीच में यह चल रही है कि हो सकता है वो उनको भारतीय जनता पार्टी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ उम्मीदवार बना करके उतारे वहां से। नहीं, मुझे ये मुझे मुझे थोड़ा सा और यादर्शो क्लियर कीजिए कि मुनाजिर हसन के पार्टी छोड़ने के पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं? क्या सिर्फ इस बात की श्योरिटी कि आप आइए हमारे पास, हम आपको लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे, ये है, या फिर ये जेडीयू से भी कुछ चाह रहे थे जो जेडीयू ने नहीं दिया और वो चीजें बीजेपी से मिल सकती है इसलिए वो बीजेपी में जा रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि जिस कद के वो नेता हैं वो, उनको जेडीयू में कहीं ना कहीं वह सम्मान नहीं मिलता होगा, तभी तो उसी से आहत होकर के उन्होंने यह फैसला लिया है ना। वो सम्मान तो आदमी, वो देखिए, वो एक बार वो अपनी पत्नी को भी उन्होंने चुनाव लड़वाया था एक बार, हमको राजद के टिकट से। तो वो है, उनकी पैठ है उस क्षेत्र में, और राजद में भी पहले रह चुके हैं वो। हाँ, राजद में भी रह चुके हैं। हाँ, राजद में मंत्री रहे हैं वो, भवन निर्माण मंत्री हैं, भवन निर्माण मंत्री भी थे वो, हमको याद है उनसे। हम जानते हैं वो मुनाजिर हसन मैन ऑफ प्रिंसिपल भी हैं वो, उनको कहा जाए तो मुनाजिर हसन को कहीं ना कहीं मैंने साइड ट्रैक किया जा रहा था पार्टी के अंदर, इससे वो आहत थे और इसी कारण है कि जो है सो मुनाजिर हसन जो है सो बगावत का बिल्कुल फूक करके या बगावत का तेवर अपना करके वो कहीं ना कहीं अपने आप को जो उनको नजरअंदाज किया जा रहा था पार्टी के अंदर। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी तो है ही है भाई, भारतीय जनता पार्टी बैठी हुई है ऐसे लोगों के साथ में लेने के लिए, तो वो मजबूत स्तंभ एक भारतीय जनता पार्टी को उस क्षेत्र में मिला है निश्चित रूप से, उसमें कहीं कोई दो मत नहीं। तो क्या आप मान सकते हैं कि बीजेपी एकदम बिल्कुल नई स्ट्रेटेजी के तहत ये सारी चीजें कर रही है और अंदर खाने न सिर्फ मुनाजिर हसन बल्कि आने वाले दिनों में और भी कई मुस्लिम नेता हो या बड़े बड़े नेता हो जो ठार खाए हुए हों या फिर किसी न किसी वजह से उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हो पा रही हो तो उनको बीजेपी स्पेस दे सकती है? निश्चित रूप से। देखिए अब मुनाजिर हसन के लिए देखिए चौंकाने वाली बात यह है कि लोग समझ रहे हैं कि वो मुस्लिम चेहरा, लेकिन यह बात इसीलिए हम सब क्लियर भी कर दिए कि इससे पहले भी वो भाजपा में 2014 में वो थे, इसलिए हम बताएं कि वह उनका जाना, उनका भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना ठीक है, अभी के परिस्थिति में लग रहा है कि वो बहुत बड़ा जोल्ट है निश्चित रूप से जेडीयू के लिए और राजीव रंजन सिंह और सुललन सिंह के लिए, लेकिन वो मुनाजिर हसन उस क्षेत्र के लिए, मुंगेर कह लीजिए, बेगूसराय कह लीजिए, उस लोकसभा क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी में, अगर यदि वो आते हैं लड़ते हैं चुनाव तो वो एक बड़ा जोल्ट के समान, एक झटका के समान जेडीयू के लिए। हाँ, जहां तक मुझे भी समझ में आ रहा है कि देखिए होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट बैंक है और एक बड़े मुस्लिम नेता को उन्होंने लिया, तो जो उनका जो बेस वोट बैंक है उनके जो अपने लोग हैं वो तो यही सोच रहे थे शायद बीजेपी उनको लाना चाह रही है, लड़ाने की सोच रही है, कि वो तो उनके साथ आ जाएगा और प्लस इनका बीजेपी का अपना वोट बैंक है तो वो दोनों एड ऑन हो जाएगा तो फिर शायद ललन सिंह पर भारी पड़ सकता है। और चूंकि ये जा रहे हैं तो जेडीयू का भी जो इनके साथ जुड़े होंगे वो सब भी जिस पार्टी में जाएंगे वो जुड़ सकता है। देखिए निश्चित रूप से, अब देखिए अब इसको
सारा गणित क्या है, सारा गणित मतदाता का है। तो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में अगर यदि जिस तरह से मुस्लिम वोटर्स हैं, मुस्लिम मतदाता हैं 1.5 लाख, तो वह कहीं ना कहीं वह तो एक बड़ा माने जोल्ट के समान ही होगा ना, वह मुस्लिम वोट तो इंटैक्ट इनके साथ रहेगा और प्लस जो भारतीय जनता पार्टी का जो परंपरागत वोट रहा है तो वह अगर यदि साथ में इनके मिल जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी का वोट किसका है? भारतीय जनता पार्टी में जो है सो जो बिजनेस वर्ग हैं, बिजनेस क्लास हैं, उनका या सवर्ण समाज का वोट है, वह सब इंटैक्ट। नहीं, इसको इसको और सर हम आसान भाषा में एकदम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए 1.5 लाख जैसे मुस्लिम वोटर्स हैं, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं तो उसका 50% ही मतदान हुआ या 60% मतदान हुआ, 60,000 ही वोट मतदान होते हैं, उसमें से 60,000 लोग ही मतदान करते हैं, ठीक है, कि मास जाएगा जेडीयू आरजेडी चुरी कहा जाता है कि आरजेडी महागठबंधन की ओर, ठीक है, ठीक है, ज्यादा मान ले, फिर भी 30,000 और उसका 30,000 भी है और 50% भी उसमें से 60 में से 30,000 ही वो काट लेते हैं या 20,000 ही काट लेते हैं मुनाजिर हसन अपने चेहरे पर खींच लाते हैं, तो फिर वो मुझे लगता है कि प्लस पॉइंट हो जाएगा बीजेपी के लिए, जो किसी हिंदू उम्मीदवार को देने के बाद नहीं जुड़ सकता था। निश्चित रूप से देखिए, वो वही बात हम कहना भी चाह रहे हैं कि वो जैसे 1.5 हम लोग जो मुस्लिम मतदाताओं की बात कह रहे हैं कि इतना परसेंटेज है, तो वो इसको ऐसे भी समझा जा सकता है कि जब मुस्लिम कैंडिडेट खुद होंगे भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए फोल्ड से, तो निश्चित रूप से वह वोट इधर उधर मुस्लिम का जो ट्रेंड रहा है वोटिंग का, वो इधर उधर नहीं जाता, अपने चेहरे पर अपने लोगों पर वो पूरी तरह से वो 100% वोट पोल होता है, वोट कास्ट होता है वहाँ। तो मान लीजिए ठीक है, 100% नहीं होकर के 60% भी वोट अगर पोल होता है तो निश्चित रूप से मुंगेर सीट में आपको चौंकाने वाला परिणाम देखने को मिल सकता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। हाँ, हम लोग मतलब वर्स्ट कंडीशन में भी ये मान के चलते हैं कि ठीक है, चलिए बीजेपी के नाम पर मुस्लिम कहा जाता है कि भी रखते हैं, ऐसा आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट तो मुस्लिम ही होंगे ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसका एडवांटेज तो मिलना ही चाहिए, एडवांटेज मिलेगा, तो वैसे में मुस्लिम का ट्रेंड रहा है वोटिंग का, वो अब उठा करके देख लीजिए कि उनके चेहरे पे कुल मिलाकर अगर बीजेपी में वो जाते हैं और बीजेपी उन्हें चुनाव लड़ाती है तो एक तरह से कहा जाए तो ये ब्रह्मास्त्र होगा मुंगेर में बीजेपी के लिए, ब्रह्मास्त्र के रूप में मुनाजिर हसन दिख रहे हैं। चलिए इसी लाइन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद रवि सर।